मित्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार चार कड़ियों में अवलोकन कर रहे हैं मुरादाबाद की धन्य धरा पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यिका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी एवं आर्यिका श्री विश्व यशमती माता जी के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम नारी संस्कार का शंखनाद, संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका सेमिनार, नारी धर्म और संस्कार। यह भव्य समारोह 4 एवं 5 अक्टूबर 2023 को रत्नत्रय Z28 मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद में अत्यंत ही भव्यादिभव्य रूप से माताजी के पावन सानिध्य में संपन्न किया गया। दर्शकों, आज आप अवलोकन करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम की तृतीय कड़ी के विशेष अंश। पुनः एक बार समारोह का शुभारंभ करते हुए पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी ने महिलाओं के सम्मान में अपने मंगल उद्बोधन दिए और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गयी। औषधियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर में जीरा मेथी अजवाइन से अचारों में क्यों अजवाइन डलती है आपने कभी सोचा? वो सब हमारे जीवन में बहुत बहुत आपको समय आगे चलकर बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारी महिलाएं अशिक्षित जरूर थीं लेकिन संस्कारवान थीं उन्होंने, क्योंकि कहते हैं जो बतलाते नारी जीवन, इनको छोटा तुम मत समझो, इनको छोटा तुम मत समझो, इनकी सांसों में बहबल है, इनका आचरण बताता है, इनका भविष्य अति उज्ज्वल है। यह वह हस्ती जिसके द्वारा हम सभी धन्य हो जाएंगे और नारी जीवन यदि सुधर गया, सच पूछो तीनों लोक सुधर जाएंगे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांपेगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांपेगा, चुनर गिरी तो एक भूकंप भी आएगा, चुनर गिरी तो एक भूकंप भी आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है। वैसे तो आप लोग भैया को भी सुन चुके हैं और स्वयं माता जी को भी सुन चुके हैं। अगर जीवन में कहते हैं ना कि जिसके जैसा बनना हो उसके गुणगान को अगर हम गाएंगे तो हमारे जीवन में वो उतरता है, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वो क्या होता है, हमें परिवर्तित होता है। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको खूब गुस्सा भी आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना कहते हैं ना बोलते हैं, सिर्फ सुनते हैं। तो मैं आपको ना सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों में एक डिसबैलेंस हो जाए या थोड़ा सा भी उसकी हवा कम हो जाए तो वो कमजोर रहता है या पूरा बोझ लेने में बराबर से तैयार रहता है? कैसा होता है? थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है वो, है ना? तो ऐसे ही जीवन में जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, यानी कि जो स्त्री है और पुरुष है, उनमें अगर सामंजस्य बना के रखना है तो सबसे पहले समता गुण होना चाहिए। उसके लिए मैंने जैसे बताया ना गोपालदास बरैया, वो इतने शांत व्यक्ति थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही कहते हैं ना तीखी स्वभाव वाली थी, जैसे वो आते थे और उसका बड़बड़ बड़बड़ बड़ शुरू होता था। हम लोग तो नहीं करते ना ऐसा, हम लोग तो अच्छे हैं। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब पूछ रही हूँ ऐसा कुछ तो नहीं। यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, जैसे हम पिछले दिनों से यहाँ पर हैं तो उनको देखने में लगता नहीं कि आप लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छी है भाई पुरुष। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? अरे घर से लेकर मंदिर तक की डोर नारी के हाथों में है, नारी के हाथों में। जितने पुरुष मंदिर आते हैं वो भी नारियों के धक्के से आते हैं, समझे? जितने बच्चे धर्म में लगे हैं उनकी माओं का पुरुषार्थ था। तो आपको यदि संतान मिलाना है दुनिया में तो कुंद कुंद की माँ जैसी भावना बना है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तनाव मुक्त जीवन में धर्म की विशेषता,
70% महत्व वास्तु में ऊर्जावान भूमि का है। हमें ऊर्जावान भूमि को देखना है, और जहां ऊर्जा नहीं है वहां पर हमें अपने उपकरणों द्वारा जांच करनी है कहां पर ऊर्जा नहीं है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, फिजिकली मेथड, बायोलॉजिकली मेथड से, स्वर विज्ञान से, डाउजिंग मेथड से, डाउजिंग में भी बहुत सारे मेथड हैं, एल रॉड है, कंपास है, और आपके पेंडुलम है, स्केल है, बहुत सारे मेथड हैं। और एक मेथड और बताता हूँ मैं आपको, जो आप लोग कर सकते हैं एनर्जी टेस्टिंग के लिए। यदि आप भूमि, रो भूमि है, प्लॉट है, अगर उसकी एनर्जी टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी ऊर्जा को टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक गोल गड्ढा खोदिए, गोल गड्ढे में पानी को भरिए, पानी को भरते हुए पानी क्लॉक वाइज चलता है तो वह भूमि ऊर्जावान है। कि जब आपको पता है हमारी ऊर्जा है, और ऊर्जा को यदि सही दिशा नहीं दी जाएगी, मशीनरी को लाओ, खूब पूजा करो और उसे चलाओ, नहीं तो आपको फैक्ट्री में माल तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी तन की फैक्ट्री, मन की फैक्ट्री और वचनों की फैक्ट्री से बढ़िया माल तैयार करो, तो आपका वास्तु अपने आप सुधर जाएगा। जिस प्रकार हम हर छोटे रोग के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हमें खांसी होती है, जुखाम होता है, कोशिश करते हैं कि योगा के द्वारा या हमारी जो रसोई में मसाले हैं उनके द्वारा हम अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, उसी प्रकार रसोई में भी बहुत सरल, बहुत छोटे छोटे तरीकों के द्वारा हम अपनी रसोई का वास्तु आसान से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हमारे बड़े बोलते हैं, हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए कोशिश कर भोजन बनाते समय मन में किसी प्रकार का द्वेष क्रोध ना रखें। यह मन के गलत भाव, नकारात्मक ऊर्जा भोजन के रूप में हमारे परिवार जन में ट्रांसफर होती है। कोशिश करें कम से कम उस समय के लिए हम उन विचारों का त्याग कर दें। हमारे जैन धर्म में मंत्रों की शक्ति को हम भली भांति जानते हैं, अपने फोन में या मन में गुनगुनाते, मुख द्वारा गुनगुनाना, अच्छे भजन मंत्रों का उच्चारण से बनाया हुआ खाना सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसे न केवल रसोई घर की ऊर्जा पॉजिटिव होती है, बल्कि खाने के पौष्टिक तत्व भी बढ़ जाते हैं। ऐसा भोजन ग्रहण करने वाला स्वस्थ, प्रसन्नचित और सारा दिन ऊर्जा से सरोबार रहता है। तय करें कि भोजन उतना ही बनाएं जितना कि वो उठ जाए। अनावश्यक खाना पका के फ्रिज में रखना यह अच्छा नहीं होता। कोशिश करें जितना भी हमारे परिवारजन है वो ताज़ा खाना ग्रहण कर सकें। जिस प्रकार पुरुष वर्ग घर से बाहर जाकर चीज़ों को संतुलित करते हैं, उसी प्रकार हम स्त्रियों को भी, हमारा कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति जैन धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें घर के भीतर रहकर। यही प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य है। 99.9% लोग हम में से, और मैं भी शायद उनमें से एक हूँ, हम सब में जीरो एक्सेप्टेंस है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, वहीं से शुरू हो जाते हैं हम, ये काला है, ये गोरा है, ये पतला है, ये छोटा है, रगड़ रगड़ के कोई उसकी लोइयां कर रहा है, कोई भैया इस अब अपनी माई को बोल रहा है खींच के लंबा कर दे तू। एक्सेप्टेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं। आप कहाँ से अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस सिखाएंगे जब आप खुद किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सो द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज कि एक्सेप्टेंस हम सब में आनी ज़रूरी है फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आपका बच्चा काला है तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिए कि मेरा बच्चा काला है। आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है क्योंकि उनको फील होता है कि उनमें कमी है, और वो उसी भावना से ड्रग्स में जाते हैं और चीज़ों में जाते हैं ओवरकम करने के लिए, और ये सब घर पे शुरू होता है। अगर कोई कहता है ना कि ये स्कूल में आता है, ये बिल्कुल गलत है। आप में से कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को देख के, ईमानदारी से बताइएगा, ये कहते हैं थोड़ा सा छोटा रह गया हाइट में, बताइए, हाथ उठाइए। आप सच बोल रहे हैं, हाथ तो उठाइए।
और कितने पेरेंट्स ये कहते हैं लड़की थोड़ी काली रह गई, अगर रंग थोड़ा साफ होता ना कोई भी लड़का मिल जाता है इसको। यस और नो? सो एक्सेप्टेंस और मोटा पतला, रूपाली का टची टॉपिक है। सो मतलब चलिए एक्सेप्टेंस हमारे अंदर है ही नहीं। सो हम अपने बच्चों से कहते हैं जब तुम दूसरे के घर जाओ शादी करके तो तुम्हें जैसा भी परिवार मिले उसे तुम एक्सेप्ट कर लो। सगे माँ बाप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते जैसा वो है, और बेटियां बनाएंगे हम ऐसी कि भाई जहां तू जाए वो तुझे जैसा मर्जी रखे, जैसा मर्जी लड़का मिले तू एक्सेप्ट कर लेगा। वाह, इज इट पॉसिबल? है किसी तरीके से भी पॉसिबल? बताइए, आप बताइए। नहीं है। सो एक्सेप्टेंस बिगिंस एट होम। अगर हम सब, एटलीस्ट हमारी जेनरेशन और दादियां जितनी भी यहां बैठी हैं, वो कहना शुरू कर दें ये जैसा भी है मुझे वैसा ही बहुत पसंद है। मेरा मानना तो ये है कि परिवार, अगर आप लोगों ने कोई मशीन देखी हो घड़ी की, तो उसमें गियर्स होते हैं और सब गियर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपनी स्पीड से कोई राइट कोई लेफ्ट मूव करता है तो घड़ी चलती है। एक भी गियर अलग से काम नहीं करता। परिवार भी बिल्कुल एक मशीन है घड़ी के समान, जिसमें सब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार का हमारा एक ये जो स्वरूप है, मैं कहूँगी हमारे ऊपर दूसरी लोगों ने आके हम लोगों पर राज किया और किसी भी किसी को ख़त्म करने के लिए उसकी संस्कृति और उसको परिवार को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, तो उन्होंने हमारी संस्कृति हमारे परिवारों से मिटाई अपने को सुपर दिखाने के लिए। जो विश्व में सबसे एक उन्नत एक कल्चर था उसको उन्होंने ख़त्म किया, वो परिवारों से शुरू किया। अब परिवार ही नहीं है, पहले परिवार थे, परिवार में बड़े छोटे सब सबके फिक्स काम थे। कोई ऐसा नहीं था कि महिलाओं को कोई शोषित किया जाता था, बिल्कुल भी नहीं। जो महिला जिस कैलिबर की जिस हिसाब से होती थी उसको परिवार में उसी हिसाब से उनका अपने आप सब कुछ एक सिंक्रनाइज्ड काम था। एवरीवन यूज्ड टू वर्क टुगेदर, नो वन यूज्ड टू से कि उसको ये करना था मैंने ये नहीं किया, इट वाज नॉट दैट। सायंकाल की मंगल बेला में पूज्य श्री विश्व यशमति माता जी के सुमधुर भजनों के साथ भक्ति संध्या का प्रारंभ किया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तों ने भक्ति संगीतों पर झूमते नाचते हुए बेहद ही हर्षोल्लास में लीन होकर भक्ति भाई। जागे नहीं कशाए मैं वेदना सताए, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधो घटना यही लगाओ। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, दुनिया के रतन सारे पी के बेटा तू है मनमोल। मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल, अपनी प्रिय वाणी से मुझको, अपनी प्रिय वाणी से मुझको प्रभु नाम सुना देना, अपनी प्रिय वाणी से मुझको गुरु नाम सुना देना, अंतिम श्वासों में तू मुझको नमोकार सुना देना। ऐसी खता हुई क्या बेटे, ऐसी खता हुई क्या बेटे, क्यों हमको दुत्कार दिया,
आखिर मात पिता है तेरे, आखिर मात पिता है तेरे, ये कैसा सत्कार किया, ऐसी खता हुई क्या बेटे, क्यों हमको धुतकार दिया, कितने लाड प्यार से हमने तुमको पाला बड़ा किया, अच्छी शिक्षा भी दिलवाई और पावों पर खड़ा किया। तत्पश्चात प्रारंभ किया गया प्रश्नोत्तर का सिलसिला, जिसमें ब्रह्मचारिणी दीदी ने प्रतियोगिता शुरू की व साथ ही विजेताओं को उपहार भी भेंट किए गए। माता जी ने बोला था, हर बेटा अपने पिता का डैश डैश होता है। माँ के संस्कार देने की भूमिका कब से शुरू हो जाती है? माँ के गर्भधारण से शुरू होने से, जन्म के एक दिन बाद से आ जाएगा। वैसे आपके घर में आपके चित्त की दशा हो जाएगी। मैंने कहा था गर्भाधान के पहले से माँ की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। नारी मत कहे, नारी गुण की खान, नारी से उत्पन्न हुए तीर्थंकर भगवान। करना, इग्नोर करना और ही की जगह भी बोलना। घोर इग्नोर आय नमः, घन घोर इग्नोर आय नमः। क्या बात है। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने मंगल संगीत भजनों पर पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल आरती की। तुम्हारे दारे गुरु तुम्हारे दारे करो आहरती आज गुरु माँ तुम्हारे दारे करो आहरती आज गुरु माँ तुम्हारे दारे। अरे झूम झूम सारे माता के तारे, झूम झूम सारे गुरु माँ के तारे, देखो 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 सारे। दर्शकों आज के लिए इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः हाजिर होंगे आपके समक्ष इसी श्रृंखला की चौथी कड़ी के साथ इसी समय। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।